देखने को मिली है। बिल पेमेंट के लिए डॉक्टर को पीटा गया है, महिला डॉक्टर के साथ मारपीट करी गई है। मांडा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज में दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली है, महिला डॉक्टर के साथ मारपीट करी गई है। मांडा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर दबंगों ने गुंडागर्दी करी है, महिला डॉक्टर की पिटाई करी गई है। बिल को लेकर ये पिटाई करी गई है, महिला डॉक्टर की यहां पर पिटाई हुई है। बिल पेमेंट के लिए डॉक्टर को पीटा गया है, दबंगों की करतूत यहां पर सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर महिला डॉक्टर की पिटाई करी जा रही है। सुबह 10:30 बजे हमारे पास ये लोग आए, बोले कि पैसा कम कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, जो देना चाहो बेटा दे दो, हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बोले यहाँ तुम अस्पताल कैसे चला रहे हो, गुंडागर्दी कर रही हो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, गुंडागर्दी कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद बात की बात होने लगी, बातों बातों में मेरे बेटे को भी मारा, इन्होंने मुझे भी मारा, मेरा कान का छीन लिया। अब खबर बिजनौर से, एनसीसी भर्ती प्रक्रिया शुरू कराए जाने की मांग तेज हो गई है। छात्र छात्राओं ने भर्ती की मांग को लेकर सौंपा है ज्ञापन। डीएम ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन दिया गया है। छात्र छात्राओं की तरफ से नगीना स्थित हिंदू इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने की है इसकी मांग। एनसीसी भर्ती को लेकर छात्र छात्राओं की मांग लगातार तेज होती नजर आ रही। नगीना स्थित हिंदू इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने यह मांग करी है। बिजनौर से आपको खबर बता देते हैं, एनसीसी भर्ती प्रक्रिया शुरू कराए जाने की मांग तेज हो गई। अब खबर लखनऊ से, युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, परिजनों में छा गया है मातम। लखनऊ से आपको खबर बता दें, परिजन जता रहे हैं हत्या की आशंका। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है पुलिस। संदिग्ध अवस्था में युवक की मौत हो गई है। थाना जानकीपुरम के तिवारीपुर नई बस्ती की पूरी घटना बताई जा रही है। अमेठी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। 385 जोड़ों ने एक साथ रहने के लिए है शपथ। डीएम अरुण कुमार की अध्यक्षता में हुआ है ये कार्यक्रम। अमेठी के तिलोई में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें 385 जोड़ों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई है और शादी के बंधन में बंधे। अमेठी के तिलोई में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 385 जोड़ों का विवाह किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।